हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बच्चों एक बार इमेज सेट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे। तो अभी बात करते हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसका मेन मकसद है उन बच्चों को रास्ते पे लाना जो अपना रास्ता भटक चुके हैं। कुछ मिस्टेक ऐसी हैं जो नीट एग्जाम की तैयारी करते हुए बच्चे कॉमनली करते हैं, कितना ही समझा लो उसके बावजूद भी नहीं मानते। बट हमारा बींग ए टीचर फर्ज बनता है कि बार बार उनको समझाएं कि बच्चा ये बात गलत है। बच्चा माने ना माने वो बच्चे की मर्जी, टीचर का काम, टीचर का फर्ज क्या है? बच्चे को बार बार एहसास दिलाना कि बेटा ये गलत है। मानना ना मानना बच्चे का काम है, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो, देश में फ्रीडम है, तो आपका अधिकार है, आपके पास आजादी है, आप अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं और उनको कंटिन्यू अगले साल भी कर सकते हैं। उस तरीके से आपके साल भर साल बर्बाद होते चले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका साल बर्बाद हो। पहला गलती जो बच्चा करता है, एक नीट एस्पिरेंट करता है, एक नीट की तैयारी करने वाला बच्चा करता है, वो करता है कि वो कोचिंग सेंटर में ही डॉक्टर बनना चाहता है। किसी भी कोचिंग सेंटर से अगर वो कोचिंग ले रहा है, वो चाहता है कि उसको ऐसा टीचर मिले, उसको ऐसी ऐसी बातें बताए जिससे उसको मजा आ जाए, क्योंकि उसको पता है उसका एडमिशन आके मेडिकल कॉलेज में होना नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जाके उसको जो चीजें सीखनी चाहिए थी, इसलिए वो चाहता है कि वो तमन्ना उसकी कोचिंग सेंटर में पूरी हो जाए। इसलिए वो चाहता है कि कोचिंग सेंटर में जो उसको टीचर पढ़ा रहा है, वो उसको ऐसी ऐसी बातें बताए जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। अब सारी बातें तो वो नहीं पढ़ा पाएगा, बता पाएगा, कुछ ही बातें आपको बता देगा, उसमें आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा, बट बेटा वो इंटरेस्ट आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूं कि अपनी एनसीईआरटी के अंदर ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस है। ब्रेन के बारे में 1-1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन अगर ब्रेन के बारे में 10 घंटे पढ़ाया जाए तो मेडिकल कॉलेज में तो जो ब्रेन है उसके लिए अलग सेक्शन है, उसके लिए एक अलग किताब है, अलग से पेपर होता है न्यूरोलॉजी के ऊपर, और पूरा साल उसको पढ़ा जाता है। और आप चाहते हैं कि वही ब्रेन के बारे में आपको कोचिंग क्लास में पढ़ा दिया जाए, और जब टीचर पढ़ा रहा हो तो देन यू आर एंजॉइंग, आपको मजा आ रहा होता है। नहीं, आप मूर्ख हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि कोचिंग क्लास का टीचर मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उसके बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं भी पढ़ाता हूं कोचिंग में, मैं उसके बराबर नहीं हूं, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन मैं उसके बराबर जरूर हूं जो आपका एग्जाम क्लियर करा सकता है। तो बच्चे जो आप ये गलती करते हो ना कि कोचिंग सेंटर में आपको इतना हाई फाई पढ़ा दिया जाए कि आप वहीं पे डॉक्टर बन जाओ, तो सबसे पहली गलती ये होती है, टीचर को जज करना छोड़िए। टीचर को आप इस तरीके से देखिए, क्या टीचर वो पढ़ा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा? यस, देन ही इज ए गुड टीचर। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मजा आ रहा है आपको, लेकिन ऐसी चीज पढ़ा रहा है जो आपके पेपर में नहीं आएगी, तो टीचर क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि आप चाहते हो कि टीचर वो पढ़ाए आपको ताकि आप बैच में टिके रहें, ताकि आप टीचर को अप्रेज करें बाद में, यार मजा आ गया, बड़ा अच्छी बातें बताई। अरे भैया, ऐसी बातों का अचार डालना आपने पेपर में तो आनी नहीं है, क्या करोगे ऐसी बातों का? तो सबसे पहली गलती ये है, इसीलिए कोचिंग सेंटर के अंदर डॉक्टर बनने मत जाओ, कोचिंग सेंटर के अंदर एंट्रेंस की तैयारी करने जाओ। कोचिंग सेंटर के अंदर इस मकसद से जाओ कि मुझे एंट्रेंस की तैयारी करनी है और मुझे वही पढ़ना है जो मेरे पेपर में आता है। कितना इंटरेस्टेड है कितना नहीं है मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे जो पेपर में आता है उसी को इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ा दो, दैट्स इट। जैसे कई ऑर्गन है बॉडी के अंदर, जैसे स्प्लीन है, स्प्लीन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं है, लेकिन स्प्लीन के ऊपर मैं 2 क्लास लगा दूं तो आपका टाइम वेस्ट है। अगर स्प्लीन के ऊपर मैं लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आपको 5-10 बातें बता के खत्म कर दूं तो 5 मिनट में स्प्लीन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर स्प्लीन के ऊपर मैं 2 घंटे लगा दूं तो
तो बेटा जो 5 मिनट का काम था उस पर मैंने 2 घंटे लगा दिए, इसका मतलब मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, देन आई एम नॉट ए गुड टीचर। या कोई और अगर हम चीज ले लें, जैसे हम स्पाइनल कोड ले लें, स्पाइनल कोड के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, स्पाइनल कोड के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, इसका मतलब स्पाइनल कोड के बारे में 8-10 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी में स्पाइनल कोड के रिगार्डिंग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया गया है, उसके बाद मैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बता दूं तो बात खत्म। लेकिन मैं स्पाइनल कोड की गहराई में चले जाऊं, उसी में चीरफाड़ करने लग जाऊं तो, और 2 घंटे स्पाइनल कोड पे निकाल दूं तो बेटा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करो कि सर हमें डॉक्टर कोचिंग सेंटर में नहीं बनना, मेडिकल कॉलेज में बनना है, ठीक है? तो बेटा जिस दिन ये दिमाग से भूत निकल जाएगा ना, उस दिन आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मैं रिवाइज तब करूंगा जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, यानी जब मेरा 11th कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं रिवीजन करना स्टार्ट करूंगा। बेटा ऐसे बच्चों का कल कभी नहीं आता। रिवीजन कैसे होता है? रिवीजन ऐसे होता है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 2 दिनों को आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखो कि आपने पीछे जो किया है उसको रिवाइज करना है 2 दिनों में। 5 दिन आपको पढ़ना है, 2 दिन में आपको जस्ट रिवाइज करना है, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस। ये रिवीजन का तरीका होता है। या रिवीजन का तरीका ये हो सकता है कि आप हर रोज कुछ घंटे रिवीजन के लिए दे दो, हर रोज दिन में 2 घंटे आप रिवीजन के लिए दे दो कि इस 2 घंटे में मुझे नया नहीं पढ़ना, सिर्फ पीछे का रिवाइज करना है, और पीछे का वहां तक रिवाइज करना जहां तक टीचर ने पढ़ा दिया। शुरू में क्या होता है, मान लो टीचर ने 3 चैप्टर कवर कराए तो 3 चैप्टर का रिवीजन में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है? कम टाइम में रिवाइज करो, आगे बढ़ो। लेकिन जब टीचर अपने लास्ट चैप्टर पे होगा तो उस समय आपको रिवीजन बहुत सारा करना होता है, उस समय आपकी रिवीजन की स्पीड भी बढ़ गई होती है। तो बेटा रिवीजन बार बार करना होता है, तो रिवीजन वेट नहीं कर रहा होता कि चैप्टर के बाद वेट रिवीजन करूंगा, या पूरा जूलॉजी खत्म हो जाएगा, पूरा बॉटनी खत्म हो जाएगा, पूरा 11th खत्म हो जाएगा तब रिवीजन करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। रिवीजन ऐसे नहीं करना होता। रिवीजन के लिए एक फिक्स टाइम होता है, या तो फिक्स टाइम आप हफ्ते के 2 दिन दे लो, या फिर आप फिक्स टाइम डेली 1 या 2 घंटा दे लो, तो उसमें पीछे का रिवाइज करते ही रहना है, चाहे आपको कितना ही आता हो बट रिवाइज करते ही रहना, ठीक है? तो कई बच्चे ये गलती करते हैं, इस गलती को करना छोड़ दो, डॉक्टर बन जाओगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट, अब टीचर क्लास में गया, आपको नोट्स लिखवाते हैं, वो नोट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाते हैं। जो टीचर नोट्स नहीं लिखवाएगा उसके आप बेकार मानेंगे। कई बार टीचर्स की नोट्स लिखवाना मजबूरी भी होती है, जब तक बच्चे का हाथ नहीं चलेगा उसका दिमाग नहीं चलेगा, जब तक बच्चे का हाथ नहीं चलेगा वो इंगेज नहीं करेगा अपने आप को। तो टीचर इंगेजमेंट के लिए नोट्स लिखवाते हैं, मजबूरी होती, नहीं तो क्लास में हा हल्ला हो जाएगा अगर सिर्फ समझाने लगेंगे तो टीचर, क्योंकि समझाने लगेंगे तो आप आधा घंटा क्लास में रहेंगे, उसके बाद तो फिर आप बाहर ही चले जाएंगे, कोई मामा के घर चले जाएगा, कोई दादी नाना पता नहीं कहां कहां चले जाएंगे, तो इसलिए मजबूरी में टीचर्स को आपसे लिखवाना पड़ता है। तब टीचर ने आपको लिखवा दिया कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, जो जो टीचर को याद था उन्होंने लिखवा दिया। अब टीचर किताब लेके तो आपको पढ़ा नहीं रहा, जो जो उनको याद है उस समय में वो उन्होंने लिखवा दिया, बात खत्म। अब बच्चा क्या समझता है? बच्चा जो नोट्स उसने लिखा है उसी को रामबाण समझ लेता है, एनसीईआरटी को हाथ ही नहीं उठाता लगाता, और भाई साहब जिंदगी भर उन नोट्स को ही पढ़ता रहता। उससे उसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, नो डाउट बेटा। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड जब बायो में क्वेश्चन आते हैं वहां पे वो बच्चा फेल कर जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन फिर भी बायो में नंबर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? नोट्स को तो 20 बार रिवाइज कर चुका है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विच इज फॉल्स, तो वो स्टेटमेंट कहां से आई? एनसीईआरटी की लाइनों से आई। कहीं भी थोड़ा बहुत अगर कर दिया मोस्टली की जगह यूजुअली कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मोस्टली यूजुअली। आपने इतना तक पकड़ना है एनसीईआरटी को कि कहां पे मोस्टली लिखा है, कहां पे यूजुअली लिखा है। आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, जब लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में मोस्टली लिखा था, ऑप्शन में यूजुअली लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। तो आपने जो नोट्स बनाए उनका क्या करना? कुछ नहीं करना, वो जंक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे क्लियर होगी, उसमें हेल्प मिलेगी, दैट्स इट।
तो बेटा आपको करना क्या होता है, करना ये होता है आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को दिमाग में बैठाना होता है। तो जो बार बार कॉपियों से रिवीजन करते रहते ना, आकाश से कोचिंग ली, एक कॉपी आकाश के नोट्स की बना ली, एक कहीं और की बना ली, एक कहीं और की बना ली, तो भाई साहब उसको कॉपियों को रिवाइज करे जा रहे हैं नोट्स को, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि नोट्स अगर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे नोट्स का, ठीक है। तो नोट से रिवीजन मत करो, कहां से रिवीजन करो मैं बताऊंगा, कैसे करो मैं बताऊंगा, ठीक है। बच्चे बायो को लाइटली लेते हैं, अरे यार फिजिक्स केमिस्ट्री है जो कुछ है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो फिजिक्स है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल में से सोल्व नहीं होते, इसलिए फिजिक्स में मुझे 180 में से मेरे 120 नंबर ही आ पाते हैं, मुझे वहां पे 160 करना है, ठीक है, अच्छी बात है करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी को लाइटली लेना स्टार्ट करो। ज्यादातर बच्चे बायोलॉजी को लाइटली लेते हैं, वो समझते बायो में क्या है, दो पतली पतली एनसीईआरटी कर लेंगे। अरे बेटा एनसीईआरटी दो जरूर है, दो मत मानो, एनसीईआरटी चार है, दो तो वो जो उसमें लिखी हुई है और दो वो जो इनविजिबल है, दो वो है जो उसने लिखी नहीं हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी बड़ी कंसाइज है, तो एनसीईआरटी दो नहीं चार है, चार के बल्कि छह है, तो इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। जो टीचर 8 से 10 साल हो गए होंगे ना पढ़ाते हुए, हो सकता है उसको भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद ना हो सकता है आज भी उनको एनसीईआरटी की एक लाइन का मतलब जानने के लिए गूगल पे सर्च करना पड़ रहा हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि बायोलॉजी लाइट है। तो बच्चे बायोलॉजी को लाइट ले लेते हैं, हर एक बच्चे के 350 के आसपास नंबर आने चाहिए बायो में। अगर आपके 350 के आसपास नंबर आते हैं ना बायो में, तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी एवरेज भी रह जाएंगे ना तो भी बात बन जाएगी, लेकिन बायोलॉजी में 350 के आसपास अपना स्कोर आना ही चाहिए, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। 50% में केमिस्ट्री फिजिक्स है, 50% में अकेला बायो है, और जब हमें यह भी पता है कि ये आना सिर्फ यहीं से है, जब हमें पता है हो कि 350 नंबर सिर्फ ये पढ़ने से आएंगे, तो भैया क्यों नहीं पढ़ते उसको, क्यों एक्स्ट्रा चीजों में इन्वॉल्व किए हुए अपने आप को। उसके बाद नेक्स्ट गलती, स्टडी फ्रॉम मेनी बुक्स एंड मॉड्यूल्स। किसी के पास दिनेश है, किसी के पास प्रदीप है, किसी के पास रमेश है, किसी के पास सुरेश है, इतनी किताबों से स्टडी कर देते हैं, पता ही नहीं होता एनसीईआरटी में क्या लिखा है, वो सारी किताबें पढ़ दी। बेटा आप किताबें टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे, जब आप टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़ते हैं ना, तो मैं कहता हूं आप रमेश दिनेश की बजाय आप नोवेल पढ़ें, कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ें, उससे आपका टाइम पास अच्छा होगा, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री को या बायोलॉजी को प्रदीप दिनेश से पढ़ने से। तो दैट इज लाइक ए नोवेल, इतनी किताबें पढ़ना दैट इज लाइक ए नोवेल। अगर आप नोवेल पढ़ दोगे सारी चीजें उसकी याद रहेंगी, नहीं रहेंगी, ऐसा ही आप कर रहे हो। एक बार कोचिंग ली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उसके मॉड्यूल्स आपके पास आ गए, इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स होते हैं, सारे पूरा बंडल बनता है, इतना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इतना बंडल बनता है, वो घर पे सजा लिया, एक कोचिंग ली, नेक्स्ट ये सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट फिर कोचिंग ली, दूसरी कोचिंग का इतना बड़ा बंडल ले लिया। बच्चे के मन में रहता है यार लास्ट टाइम मैंने पैसे लगाए थे इस मॉड्यूल से, कुछ ना कुछ तो मैं जरूर पढ़ूंगा, तभी तो मेरे पैसे पूरे होंगे। अरे भैया लास्ट टाइम जो गलती की अब तो मत करो, पैसे पूरे करने में मत जाओ, सिलेक्शन पे जाओ। तो ये जो दो दो तीन तीन चार चार कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ते हो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये प्रदीप दिनेश रमेश सुरेश पढ़ते हो बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो फिर क्या पढ़े, आगे बताऊंगा। उसके बाद जो गलती करते हैं वो करते हैं एमसीक्यू, कुछ किताबें एमसीक्यू बेस्ड होती हैं। अब चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में आज तक 1990 से लेके 2017 तक 26 क्वेश्चन आए हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, 11th का पहला चैप्टर जो है, तो उसमें 26 क्वेश्चन आए हैं 2017 से लेके 1990 तक, इतने सालों में 30 साल में, तो लगभग 30 साल में सिर्फ 26 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन आपको मार्केट में ऐसी एमसीक्यू की बुक मिल जाएगी जो लिविंग वर्ल्ड पे आपको 500 क्वेश्चन दे देगी। अरे भैया वो 500 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके क्या करोगे, और
बुक बनाने वाले 500 क्वेश्चन बनाने के लिए मटेरियल कहां से लाएंगे? मटेरियल लाएंगे आउट ऑफ सिलेबस जाकर। उनके 500 में से 50 क्वेश्चन ढंग के होंगे, 450 क्वेश्चन बेकार होंगे, जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है, सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि देखो मेरी किताब में इतने एमसीक्यू है, इट मीन्स मेरी किताब सबसे आगे है, मेरी किताब नंबर 1 है, क्योंकि मेरी किताब में एमसीक्यू ज्यादा है। इररिलेवेंट एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो जो पर सब्जेक्ट, ये SGICT थोड़ी मिस्टेक हो गई, माफ कीजिएगा, तो पर सब्जेक्ट एमसीक्यू बिल्कुल लिमिटेड कीजिए। मैं कहूंगा कि बायोलॉजी के अंदर पर चैप्टर 150 से 200 क्वेश्चन बहुत हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर पर चैप्टर 100 to 150 क्वेश्चन बहुत हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ जाने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस करना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, आउट ऑफ सिलेबस जाना। जब आपको ऐसा एमसीक्यू मिलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप उससे डिमोरलाइज होंगे। ठीक है, उसके बाद अब मेरा एफर्ट क्या है बच्चों? मेरा एफर्ट ये है, मैं अभी सीकर में पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से डेमो क्लास ले सकते हैं। 3-4 दिन में आपको फ्री पढ़ाऊंगा, 3-4 दिन में आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है बायोलॉजी, किस तरीके से बायोलॉजी पढ़नी चाहिए कि आपके 350 नंबर या उससे ज्यादा नंबर, इवन 360 नंबर तक आ जाएं। तरीका मेरा, मेहनत आपकी। तो जस्ट आपको इस नंबर पे कॉल करके आपने अपना डेमो अरेंज कराना है, अगर आप सीकर में हैं तो। अगर आप सीकर से कहीं दूर हैं, उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। उसके लिए मेरे पास कुछ ऑनलाइन बैच है, जहां पे मैं लाइव इंटरेक्टिव क्लास लेता हूं बच्चे के साथ, जिसमें मैं और बच्चा आपस में बात कर रहे होते हैं, आपस में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप सीकर से बाहर हैं, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास के लिए बात कीजिए। अगर आप सीकर के अंदर हैं, तो सीकर के अंदर आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से फिजिकली मिलिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, कैसे आप सही दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो कोई फीस नहीं है, फ्री में आप कुछ दिन पढ़िए, जब आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तब फीस दीजिए। ठीक है, ओके। मैं थोड़ा आपको बता दूं, मेरा एफर्ट ये रहता है कि मैं बच्चे का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। कोई भी टॉपिक है, मान लो हम बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेशन कैसे होता है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद एनसीईआरटी में उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो लिखा है, एक एक लाइन को समझाएंगे कि एक एक लाइन क्या कहना चाहती है। कुछ लाइनें एनसीईआरटी में दी हैं, कुछ नहीं दी हैं, तो एक्सप्लेन करूंगा कि ये लाइन कैसे आपकी कंप्लीट होगी, कैसे आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिलीवर करूंगा, जो आपकी इस नॉलेज को थोड़ा सा अपर लेवल पर रखने में मदद करेंगे। ठीक है, इन एक्स्ट्रा पॉइंट को क्या करना होता है, घर जाके आपको एनसीईआरटी में लिखना होता है। ठीक है, जो बच्चे मेरे पास अभी पढ़ रहे हैं वो इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा पॉइंट को लिखना है और बार बार एनसीईआरटी से रिवीजन करना है। आपके टेस्ट होंगे, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर टेस्ट होगा, जब 2 से 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो रिवीजन टेस्ट होगा। तो आगे बढ़ते जाएंगे, रिवीजन टेस्ट के थ्रू पीछे के चैप्टर को रिवाइज करते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन आपसे गलत होगा, उसी समय मेरे सामने बैठे बैठे आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि गलत क्यों है, ताकि फ्यूचर में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो बायो के अंदर 360 नंबर बहुत मायने रखते हैं। अगर आप चाहते हो डॉक्टर बनना, अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना, तो प्लीज ये गलतियां मत कीजिए। ये 6 गलतियां मैंने आपको बताई, ये 6 गलतियां मत कीजिए, आप डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, अगर आप मेरे आसपास हो, अगर आप चाहते हो मैं आपकी मदद करूं, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। कहीं और से आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 6 पॉइंट को आप ध्यान रखना, ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे सारे अपने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा मकसद था आज की वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, जहां जहां भी हो सके इसको फैलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनका फायदा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बार बार ड्रॉप ना करें, बार बार रिपीटर ना बने। ओके दोस्तों, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, कोरोना से अपना ध्यान रखिएगा। ओके।